वेलकम टू मरहबा लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दो चीज़ों की जानकारी देने वाला हूँ। एक, अगर आपका चेहरा थोड़ा सा दाग धब्बा है, फुंसियाँ निकल रही हैं, तो उसमें आपको कैसे और क्या लगाना चाहिए। ये दूसरी, जो डीएक्सएन मेंबर है, डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मार्केटिंग करते हैं और अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उनको एक मैं अपना रिसर्च बता रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ आपको कि इस तरीके से अगर आप कस्टमर को बताएंगे तो उसका फ़ायदा भी होगा और आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा। अब देखिए सब जी, तो मैं ये कह रहा था, तो आपको करना क्या है, सबसे बेहतरीन ये डीएक्सएन वाले जो भेजते हैं ये प्रोडक्ट, तो सबसे पहले जिसके चेहरे में कुछ कील मुहासे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे किस तरीके से करना है। पहले हम लोग क्या करते थे कि बहुत देर तक साबुन को लगवा के छोड़ते थे। जो नए जो पेशेंट होते हैं, जो पहली पहली बार जो डीएक्सएन का सॉप लगाते हैं चेहरे में, तो उनको उसका रिएक्शन बहुत तेज़ी से निकलता है। क्यों, बहुत देर तक जब हम छोड़ देते हैं, कभी कभी तो कहते थे शाम को लगा के सो जाओ, सुबह धो, पूरी रात वो काम करता है, तो 24 घंटे के अंदर ही उसके चेहरे में नज़र आने लग जाता था। या तो उसके टॉक्सिन निकालना शुरू कर देता या फिर उसका अच्छा भी लगने लग जाता। तो अगर टॉक्सिन निकालना शुरू करता है, चेहरे में कुछ खराबी आने लग जाती, तो वो कस्टमर साबुन को वापस करते या फिर फेंक देते, कहते या तो बेकार साबुन है, ये तो चेहरा ख़राब कर दिया। हालांकि उनको समझाया जाता है कि ये साबुन पहले अंदर से गंदगी को निकालेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको चेहरा में कुछ बदलाव आएगी, तो आपको घबराना नहीं, मगर फिर भी घबरा जाते हैं लोग, डर जाते हैं। तो अब इसका न्यू रिसर्च निकाला है हमने कि पहले दिन आप उसको लगवा के 10 मिनट छोड़वाइए, फिर उसको चेहरा साफ करवा लीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे वो जल्दी से वो जो टॉक्सिन निकलने वाला जो प्रक्रिया होता है वो कम हो जाएगा, और धीरे धीरे उसके बाद फिर मटर के दाने के बराबर आप थोड़ा सा टूथपेस्ट लीजिए, गुलाब जल में मिला के या पानी में मिला के चेहरे में लगवा दीजिए, फिर 10 मिनट बाद का उसको धो लो। इस तरीके से बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकला। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर जो पहली बार डीएक्सएन प्रोडक्ट लेता है अपने चेहरे को सही करने के लिए, तो इसी तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए। मैंने एक लेडीज़ को दिया मैंने, और उसका रिजल्ट ये निकला, वो खुश हो गई, बहुत बेहतरीन। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सेम ऐसे उनको मैंने बताया लगाने का तरीका, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, खुश हो गई, और भी कई प्रोडक्ट लेने के लिए वो राज़ी हो गई। तो इस तरीके से डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर एक दूसरे को बता के प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आम पब्लिक का भी भला हो, फ़ायदा हो और आपका भी भला हो। ये रह गई, ये एक तरह का न्यू रिसर्च मेरी, क्या आप ऐसे ही प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर आप डीएक्सएन कंपनी के प्रोडक्ट को एक दवा समझ के देते हैं। अगर आप दवा समझ के दे रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। कभी भी मेडिसिन कह के मत बेचिए, हालांकि मेडिसिन की तरह काम करती हैं, मगर आप कहकर मत बेचिए। ऐसा करने से उसको मेडिसिन की तरह बहुत जल्दी लाभ नहीं मिला, तो कहेंगे ये तो बेकार दवा है, ऐसे कहेंगे बेकार दवा है, क्योंकि आपने पहले दवा कह के बेचा है ना, तो वो भी कहेंगे ये बेकार दवा है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना कह के बेचें, बल्कि एक आयुर्वेदिक चीज़ें कह के बेचिए, जिससे कि धीरे धीरे फ़ायदा करती हैं और पूरा प्रक्रिया आप समझिए। तो ये मैं एक जगह का जो मेरा बेच कर और साथ में उसका रिजल्ट बताया, बेचा कैसे, अब उनका चेहरे में थोड़ा सा कालापन दाग धब्बा सा नज़र आ रहा, तो मैंने कहा ये ऐसे चेहरा कैसे हो गया, तो आपका कह रहा हाँ देखो ना बदना 20 दिन से ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ये लगाया वो लगाया कुछ हो ही नहीं रहा और बढ़ता ही जा रहा। मैंने कहा इन सब चीज़ों को आप बंद कीजिए, मेरे पास जो एक चीज़ें प्योर चीज़ें हैं, एक आपको दूंगा ट्यूब, जो कि टूथपेस्ट था, मैंने ट्यूब बोला, क्योंकि टूथपेस्ट बोलता तो पहले दिमाग में वो बातें आ जाती, क्या यार ये तो टूथपेस्ट दांतों के लिए, ये चेहरे के लिए दे रहे हैं, ये तो और चेहरा ख़राब करेंगे। तो इसी डर के मारे उसको ये ना बोल के उनको ट्यूब बोला, और एक सॉप बोला, सॉप के बारे में भी बताया उनको मैंने कि सॉप वही होता है जिसमें ओनली सॉप होता है, अगर टॉयलेट सॉप होगा, बातिन बाथ सॉप होगा, है ना, तो वो सॉफ्ट नहीं होता, वो लेटिंग करके हाथ धोने के लिए होता है, चेहरे के लिए नहीं होती। तो जब उनको ये सब समझाया गया तो उसने माना, अब रेट जाना तो रेट के मुताबिक करें, ये बहुत महंगी है, हाँ बिल्कुल ये बहुत महंगी है, क्योंकि चीज़ बहुत प्योर बहुत अच्छी चीज़ है इसलिए महंगी है, आप एक बार ट्राई कर लो आपको समझ में आ जाएंगे। तो वो मान गए, मानने के बाद यूज़ किए, उसको आराम मिला, फ़ायदा मिला। तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। थैंक यू पूरी वीडियो सुनने के लिए, ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए आप ज़रूर संपर्क कीजिए। और आप कैसे टूथपेस्ट साबुन ये सब प्रोडक्ट बेचते हैं, आप नीचे कमेंट में जरूर कीजिए कमेंट, इससे मुझे और भी कई जानकारी मिलती है, और आप लोगों का कमेंट के ऊपर भी एक एक वीडियो बनाऊंगा, आपके कमेंट पे एक वीडियो आपके नाम पे। अगर आप भी अपने एक नाम पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए और अच्छी कमेंट कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में आपने क्या यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, क्या रिजल्ट निकला, हाँ इस तरीके से आप पूरा तरीका कितने दिन यूज़ कराया, क्या क्या यूज़ कराया आप लिखेंगे, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपने क्या गलती की क्या सही की वो भी बताऊंगा, और कैसे करना चाहिए पूरी जानकारी। अगर आप बेचने का टिप्स जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और आपने बेचा उसका रिजल्ट ख़राब आया या अच्छा आया उस वो भी लिखिए।
ताकि मैं उसमें भी अलग अलग वीडियो बनाऊँ। अगर आपका चैनल भी है तो उस चैनल का नाम भी उसमें डाल दूंगा, जिससे कि आपका चैनल भी लोग सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, इससे आपका ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से मैं कोशिश करूँगा, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।